हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं अंकित दुबे और आपका स्वागत है जागरण हाईटेक के वीकली रैपअप में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस हफ्ते लॉन्च हुई गाड़ियों के बारे में और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इस धनतेरस किस कंपनी ने सबसे ज्यादा अपनी गाड़ियों की डिलीवरी की है। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं जिन्हें ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में निराशा हाथ लगी है। तो हम पहली गाड़ी की बात करते हैं इस हफ्ते जो लॉन्च हुई है, वो है मिनी कूपर ब्लैक एडिशन। कंपनी ने इसकी एक्स शोरूम कीमत 42,40,000 रुपए रखी है। ये एक लिमिटेड एडिशन है जिसके केवल 24 यूनिट्स की ही भारतीय बाजार में बिक्री होगी। कंपनी की तरफ से इसमें कई विजुअल बदलाव किए गए हैं। इसमें नया ब्लैक ग्रिल, JCW कार्बन फाइबर फिनिश्ड ORVM हेडलाइट और टेल लाइट्स के लिए इसमें ब्लैक ट्रिम दिया गया है। इसके अलावा आपको ब्लैक कलर का बोनट स्ट्रिप भी मिलता है। इसके अलावा इसके रूफ रेल्स पर भी ब्लैक पेंट किया गया है। इसके अलावा इसमें आपको 18 इंच के JCW एलॉय व्हील्स भी मिलते हैं जो फ्लैट टायर्स के साथ आते हैं। इसके इंटीरियर में भी कई बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। इस स्पेशल एडिशन में कोई भी मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है। इसमें आपको 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो 189 BHP की पावर और 280 न्यूटोमीटर का टॉर्क जनरेट करता है। रफ्तार की बात करें तो इसे 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में 7.5 सेकंड का वक्त लगता है। इसमें आपको 14.41 kmpl का माइलेज भी मिलता है। अब दूसरे लॉन्च की बात करें तो Hyundai Motor India ने अपनी i20 Active का अपग्रेडेड मॉडल खामोशी के साथ लॉन्च कर दिया है। खामोशी के साथ इसलिए क्योंकि कंपनी ने अपने वेबसाइट पर इसे अपडेट किया है। इसकी शुरुआती दिल्ली एक्स शोरूम कीमत 7.74 लाख रुपीस है। नई Hyundai i20 एक्टिव को आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। कंपनी ने इसे SX और SX डुअल टोन जैसे 3 वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। यह कार पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट्स में उपलब्ध है। पुराने वर्जन के मुकाबले केवल 2,000 रुपये ये महंगी हुई है। नए सेफ्टी नॉर्म्स को देखते हुए कंपनी ने इसमें कई नए सेफ्टी सिस्टम्स शामिल किए हैं। इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स कैमरा, स्पीड अलर्ट सिस्टम, ड्राइवर और पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर्स शामिल किए हैं। इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल और 1.4 लीटर का डीजल इंजन विकल्प मिलता है। और अब एक ऐसी खबर जो मारुति सुजुकी के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। दरअसल इस साल की शुरुआत से ही मारुति सुजुकी की बिक्री में लगातार गिरावट देखी जा रही है। हालांकि इस फेस्टिव सीजन में कंपनी को ग्राहकों का बेहतर रिस्पॉन्स मिला है। इस धनतेरस मारुति सुजुकी ने सिर्फ सिंगल डे में 45,000 यूनिट्स की डिलीवरी की है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि अब कंपनी के वापस अच्छे दिन देखने को मिल सकते हैं। अब एक आखिरी और जरूरी खबर कि ऐसी कौन सी गाड़ियां हैं जिन्हें ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में निराशा हाथ लगी है। अर्टिगा ने एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी दोनों के लिए 3-3 स्टार हासिल किए हैं। वैगनार और सेंट्रो को एडल्ट और चाइल्ड के लिए 2-2 स्टार मिले हैं। वहीं रेडिगो को एडल्ट सेफ्टी के लिए सिर्फ 1 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 2 स्टार रेटिंग मिली है। बता दें, क्रैश टेस्ट के दौरान सभी के बेस मॉडल का सहारा लिया गया था, जिनमें अर्टिगा में 2 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं और बाकियों में सिंगल ड्राइवर एयरबैग्स ही दिया गया है। तो दोस्तों, आपको जागरण हाईटेक का ये वीकली रैपअप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही इन लेटेस्ट न्यूज को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।